गाइस आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए काफी सारी बढ़िया बढ़िया मोबाइल एक्सेसरीज लेके आया हूँ, जो कि आप लोगों के बजट में इजीली आ जाएंगी, क्योंकि ये एक्सेसरीज आप लोगों को मिल जाएंगी सिर्फ 20 रुपीज से लेकर 600 रुपीज तक। तो चलिए अपनी आज की वीडियो शुरू करते हैं। गाइज आज का जो हमारा पहला प्रोडक्ट है वो है ये गेमिंग कॉन्सोल। तो गाइज ये 3-in-1 गेमिंग कॉन्सोल है, जिसमें आप लोग अपना मोबाइल लगा के उसको एक गेमिंग कॉन्सोल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो गाइज इसका ऊपर का हिस्सा आप लोगों को कुछ इस टाइप से खुलने वाला मिलता है, जिसमें आप लोग अपना मोबाइल अटैच कर सकते हैं। और गाइस इसमें मोबाइल लगाने के बाद यहाँ पर आप लोगों को दो ट्रिगर्स मिल जाते हैं, जिसको दबाकर आप लोग अपने मोबाइल में गेम चला सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको दबा के दिखाता हूँ, तो आपको एक ट्रिगर मिलते हैं, तो आप पीछे से जब आप इस ट्रिगर को ऐसे दबाएंगे तो आगे वाला ट्रिगर चलने लगेगा। तो गाइस इस ट्रिगर को दबाने से आप लोगों के मोबाइल में आप लोग फायर वगैरह कर सकते हैं। और गाइस यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कंसोल पर लिखा हुआ है बैटल ग्राउंड, तो ये पबजी के लिए बना हुआ है, तो इससे आप पबजी खेल सकते हैं। और गाइस ये तो हो गया इसका एक फीचर कि आप लोग इससे फायरिंग वगैरह कर सकते हैं गेम में। और गाइस इसका दूसरा फीचर आप लोगों को क्या मिलता है, आप लोगों को इसके पीछे मिल जाता है एक इनबिल्ट फैन, जिससे आप लोग अपने मोबाइल को ठंडा कर सकते हैं। तो ये वाला यहाँ पर एक आपको बटन दिखाई दे रहा होगा छोटा सा, तो इसको जब आप प्रेस करेंगे तो इसका यहाँ पर फैन ऑन हो जाएगा। तो गाइस यहाँ पर लाइट जल चुकी है, इसका मतलब इसका फैन ऑन हो चुका है, तो आप लोग देख सकते हैं। तो इसकी हवा में आप लोगों को भी एक पेपर पे चेक करा देता हूँ, तो आप देख सकते हैं इससे हवा आ रही है, तो इससे आप लोगों का मोबाइल कूल होता रहेगा। और गाइस जो आप लोगों को इसमें तीसरा फीचर मिलता है वो आपको ये मिलता है कि यहाँ पर आप लोगों को इसमें एक चार्जिंग पोर्ट दिखाई दे रहा होगा, तो फिर जब आप लोग गेम खेल रहे होंगे तो आप लोगों का मोबाइल जब डिस्चार्ज हो जाएगा गेम खेलते खेलते, तो फिर आप लोग इसमें अपने मोबाइल की चार्जिंग केबल लगाकर अपने मोबाइल को गेम खेलते खेलते चार्ज कर सकते हैं। तो गाइस इसमें आप लोगों को एक पावर बैंक भी मिलता है। तो गाइस काफी सारे फीचर्स मिल जाते हैं आप लोगों को इस गेमिंग कंसोल के अंदर, काफी बढ़िया है ये गेमिंग कंसोल। और जितने प्रोडक्ट्स मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखाऊंगा सबका बाय लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पर जाकर आप लोग इन सब प्रोडक्ट्स को परचेज कर सकते हैं। तो गाइस तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ। गाइस आज का जो हमारा दूसरा प्रोडक्ट है वो है ये मोबाइल होल्डर। तो गाइस इसको आप लोग कैसे यूज कर सकते हैं, इसको आप लोग कहीं पे भी अपना आराम से ऐसे चिपका सकते हैं, तो ये बहुत टाइटली ऐसे चिपक जाएगा उस चीज पे, और उसके बाद इसके ऊपर आप लोग अपना मोबाइल लगा सकते हैं। तो गाइस इसके ऊपर आप लोग अपना मोबाइल लगा के अपनी फोटो क्लिक कर सकते हैं, वीडियोस बना सकते हैं, दीवारों पर चिपका के भी आप इससे अपनी फोटो वगैरह बना सकते हैं। लेकिन थोड़ा दीवार पर चिपका के डर रहता है कितने का, तो अगर आप लोगों को इसे स्टैंड की तरह यूज करना है तो इस तरीके से आप लोग इसे मोड़कर स्टैंड की तरह यूज कर सकते हैं, और इस पर अपना मोबाइल लगाकर आप लोग इसे आराम से इस पे मूवी वगैरह देख सकते हैं चिपका कर। तो इन कामों के लिए सही है, दीवार पे चिपका के मत देखिएगा, अगर आपका मोबाइल गिर गया तो टूट भी सकता है, तो फिर दीवार पे ना चिपका कर देखें इसे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ। तो गाइस तो फिर जो हमारे अगले दो प्रोडक्ट्स हैं वो है ये। तो गाइस ये प्रोडक्ट्स आप लोगों के काफी काम आ सकते हैं, क्योंकि इन प्रोडक्ट्स की मदद से आप लोग अलग अलग चीजें कर सकते हैं। तो जैसे कि जो है ये वाला प्रोडक्ट जो है हमारा, इसमें आप लोग अपने दो ईयरफोन कनेक्ट कर सकते हैं, तो ये काफी बढ़िया चीज है, क्योंकि गाइस जब आप लोग मूवी वगैरह देख रहे होते हैं तो दो लोगों को जब देखनी होती है और ईयरफोन लगाए होते हैं, तो फिर एक ही ईयरफोन आप मोबाइल में लगा सकते हैं, तो इससे आप लोग अपने मोबाइल में दो ईयरफोन लगा सकते हैं, तो ये भी काफी यूजफुल गैजेट है। तो गाइस तो ये हमारा जो दूसरा गैजेट है वो भी काफी बढ़िया चीज है, क्योंकि गाइस इसकी मदद से आप लोग ऑक्स टू माइक कन्वर्ट कर सकते हैं अपने मोबाइल के पोर्ट को। तो आपको करना क्या है, इसको भी आप लोगों को बस अपने मोबाइल में लगा देना है, और उसके बाद आप लोग इसमें एक माइक अटैच कर सकते हैं। तो गाइस तो जैसे कि मेरे पास ये माइक है, तो इसको मैं आप लोगों को अपने मोबाइल से अटैच कर दिखाता हूँ, तो आप देख सकते हैं इतना बड़ा पोर्ट होता है इसका, तो ये यहाँ पर कुछ इस तरीके से इसमें फिट हो जाता है, और उसके बाद आप लोग इसको अपने मोबाइल से अटैच कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। तो गाइस देख सकते हैं आप लोग कि ये माइक मेरे मोबाइल से अटैच हो चुका है, इस माइक को मैंने अपने मोबाइल से अटैच कर लिया है, तो अब आप लोग जो भी चाहें वो चीज इससे रिकॉर्ड कर सकते हैं अपने मोबाइल में, और इससे आप लोगों की रिकॉर्डिंग क्वालिटी काफी बढ़िया आएगी, तो ये भी आप लोगों के काम आ सकता है काफी। तो इससे आप लोग अपनी वॉइस रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, मतलब वॉइस रिकॉर्डिंग ही कर सकते हैं माइक से, और क्या करेंगे आप लोग। तो गाइस इससे आप लोग अपने मोबाइल को कैरियोकी की तरह यूज कर सकते हैं, और अपनी वॉइस को इससे रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ। सो गाइस तो फिर आज का जो हमारा लास्ट प्रोडक्ट है वो है ये वीआर बॉक्स। तो गाइस ये आप लोगों को वीआर बॉक्स काफी कम प्राइस में मिल जाएगा, इसका बाय लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो गाइस इसके साथ में आप लोगों को एक ये रिमोट मिलता है, जिससे आप लोग गेम्स वगैरह खेल सकते हैं मोबाइल पे। तो चलिए मैं आप लोगों को ये वीआर बॉक्स यूज करके दिखाता हूँ। तो गाइस ये वीआर बॉक्स आप लोग अपनी आंखों पर कुछ इस तरीके से लगा सकते हैं, तो ये आपने मॉल्स वगैरह में देखे होंगे, या फिर आपको होगा भी तो आपने देखा होगा, तो ये आप लोगों ने मॉल्स वगैरह में देखा होगा कि इस तरीके से आप लोग इसे अपने आंखों पर लगाकर यूज कर सकते हैं। तो इसमें आप लोगों को सब कुछ अपने पास पास दिखाई देता है, और आप लोग 360 घूम के सब कुछ देख भी सकते हैं अपनी आंखों में, इस तरीके से आप लोग सब कुछ देख सकते हैं वीआर बॉक्स में। तो गाइस तो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आप लोगों को इसे यूज किस तरीके से करना है। तो गाइस इसको यूज करने के लिए आप लोगों को सिंपली यहाँ से साइड में प्लेट टाइप की लगी होगी, इसे आप लोगों को बाहर निकाल लेना है। तो यहाँ पर आप लोगों को कुछ मैकेनिज्म मिलता है, जिसमें आप लोग अपना मोबाइल लगा सकते हैं कुछ इस तरीके से, यहाँ पर आप लोग अपना मोबाइल अटैच कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को अपना मोबाइल लगाकर दिखाता हूँ। तो गाइस कुछ इस तरीके से आप लोगों को अपना मोबाइल यहाँ पर अटैच कर देना है वीआर बॉक्स के अंदर। गाइस उसके बाद आप लोगों को यूट्यूब पे जाना है, फिर यहाँ पर जाने के बाद आप लोगों को सर्च करना है वीआर वीडियोस। तो गाइस जब आप वीआर वीडियो सर्च करेंगे तो यहाँ पर आप लोगों के सामने वीआर वीडियोस आ जाएंगी, जो कि आप लोग वीआर में अपना मुंह वहां वहां देख सकते हैं।
तो गाइस वीआर वीडियो सर्च करने के बाद यहाँ पर आप लोगों के पास कुछ टाइप की वीडियो आएंगी जो कि जब आप हेलेंगे तो उस हिसाब से चलेंगी। इस तरीके से आप लोग चारों तरफ देख सकते हैं इसमें। फिर आप लोगों को क्या करना है, फिर यहाँ पर आपको एक वीआर वाला बॉक्स वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इस पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। तो गाइस जब आप वीआर वाले ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से स्क्रीन आ जाएगी आपके सामने और चारों तरफ आप इस तरीके से इसमें देख सकते हैं। फिर आप लोगों को इसे अपने वीआर बॉक्स में लगा देना है अंदर और फिर उसके बाद आप लोग इसमें अपनी वीडियो को देख सकते हैं। तो गाइस ऐसे तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा लेकिन ये सब कुछ आप लोगों को अपने आस पास ही दिखाई देगा जब आप वीआर बॉक्स के अंदर देखेंगे। तो गाइस कुछ इस तरीके से आप लोग इसमें देख सकते हैं वीडियो को अपनी। तो बिल्कुल आप लोगों को ऐसा लगेगा कि आप इसी के अंदर हैं, इसके अंदर ही आप लोग बैठकर सब कुछ राइड कर रहे हैं जो यहाँ पर आप लोगों को दिखाई दे रही है। तो काफी बढ़िया लगता है इसमें देखकर भी गाइस। और अगर इसको और बढ़िया से करने के लिए आप लोगों को सेट कर लेना है इसको, तो यहाँ पर आप लोगों को सेट करने की मिलता है अपनी आईज के हिसाब से। तो जब आप लोग इसको अनरोल करेंगे तो ये देख सकते हैं अंदर के मूव होंगे। तो जैसी आपकी आईज पे सही से आपको दिखाई दे तो वैसे आप लोगों को सेट कर लेना है। इससे आप लोग इसे लेफ्ट राइट कर सकते हैं और इस तरीके से आप लोग इन्हें आगे पीछे कर सकते हैं। सो गाइस तो वीआर बॉक्स को आप लोग कुछ इस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो काफी बढ़िया, काफी मजा आता है इसे यूज करके भी गाइस। और ये आप लोगों को काफी कम प्राइस में काफी बढ़िया वीआर बॉक्स का एक्सपीरियंस दे देगा। तो ये आप लोगों को कम प्राइस में एकदम भयंकर एक्सपीरियंस देगा, काफी मजा आ जाएगा आप लोगों को इसको चलाने के बाद। और ये जो इसको आपको इसके साथ में जो कंसोल मिलता है इसको भी आप लोग यूज कर सकते हैं। तो इसको यूज करने के लिए आप लोगों को कुछ मोबाइल में एप्स डाउनलोड करने होंगे। तो गाइस अगर आप लोग उन एप्स का नाम जानना चाहते हैं तो उन एप्स का नाम मैं आप लोगों को कमेंट में लिख दूंगा, तो वहां पर जाकर आप लोग उन एप्स को यूज कर सकते हैं। तो इसमें आप लोग गेम खेल सकते हैं सर, आप लोगों को दोनों गेम खेलने वाले कंसोल कितने मिलते हैं। यहाँ पर आप लोगों को ऑन ऑफ स्विच मिल जाता है, यहाँ पर आप लोगों को सेटिंग चेंज करने का मिल जाता है, मतलब आप लोग इसे कर्सर की तरह भी यूज कर सकते हैं मोबाइल में। तो इसके ऊपर अगर आप लोगों को फुल डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो वो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, तो मैं इसके ऊपर एक फुल डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा। सो गाइस अगर आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और ऐसी मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।